नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करने वाले हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चन है सारे। लास्ट पॉइंट्स चल रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड भी मिल रहे हैं, उनको भी करते रहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के भी, और 20 क्वेश्चन हर वीडियो में करना है। इसी प्रकार से 41वां वीडियो है और लगभग बात करें 100 वीडियो में हम लगभग 2000 प्लस प्रश्नों को करेंगे। और हमारा टारगेट यही है, साइंस में आपका रेलवे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, आप 22 प्लस करके आओ। जब भी आप जाओ एग्जाम अटेम्प्ट करो, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और आपसे एक और बात, अगर जो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर एक वीडियो को देख डालिए, बहुत आपको फायदा होने वाला है। और जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर जो वो साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे तो आज वो करंट टाइम में बात करें 16 या 17 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी आपको 50 सीरीज के बाद, ये जैसे ही 50 प्लस होगा, आपको फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है? 50 वीडियो में दोनों करेंगे, लगभग 30 वीडियो आपको फिजिक्स के मिलेंगे और 20 वीडियो समथिंग केमिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ में हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ ले सकते हो, रेलवे साइंस स्पेशल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? तो चलिए बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो की बात करें, क्योटो कहां पे पड़ता है? तो क्योटो की बात करें, जापान का एक शहर है। क्योटो जापान का एक शहर है। आपको पता है बहुत सारे पोल्यूशन यहाँ पे चीजें हो रही हैं, और पोल्यूशन जो हो रहा है ये कौन उत्पन्न कर रहा है? मानव यानी कि विभिन्न देश। तो यहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके यहाँ पे कई सारे देश इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे? एक शहर है जापान का क्योटो, और यहाँ पे एक प्रतिबद्धता करते हैं, एक साइन करते हैं, जिसे बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि सारे देश मिलके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी ग्लोबल वार्मिंग वाले गैसे होते हैं, ग्रीन हाउस गैसे होती हैं, उनको कम करने के लिए प्रतिबद्धता हम करते हैं। और ये प्रोटोकॉल का नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे जापान के शहर क्योटो में इसे साइन किया गया 1997। ये संधि आप याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने बता दिया होगा। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों के बीच करार हुआ था, इसी को हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है? कह सकते हैं एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1992 में जलवायु के रूप खतरे के देखते हुए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के देखते हुए यहाँ पे हुआ था। और ध्यान रखिएगा, जो मेन हस्ताक्षर हुआ था दिसंबर 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में, ठीक है? तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? यहाँ पे एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, ओजोन जब भी आए तो ओजोन डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ओजोन डे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर आपका वो दिन है जिस दिन आप ओजोन डे सेलिब्रेट क्या करते हो, मनाते हो, के हिसाब से कह सकते हो। यहाँ पे ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें, या फिर कह सकते हो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ध्यान रखना, ये जो यूवी किरणें होती हैं हमारे स्किन को यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हो स्किन कैंसर का कारण बनती हैं, और इन्हीं से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, ठीक? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड है आपका पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? ये आप लगा सकते हो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी में, एसएससी की बात करें, लगभग 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब रेलवे में नहीं पता, एसएससी में 4 बार पूछा गया तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो पारिस्थितिकी शब्द जो प्रस्तुत किया था किसने किया था? एजी टेंसले ने। किसने किया था? एजी टेंसले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को प्रस्तुत किया था, ठीक? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, नीली क्रांति। यहाँ पे लास्ट सेशन में मैंने बताया था क्रांति से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और इसको मैं स्टैटिक जीके में कवर करूंगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, और लास्ट वीडियो में हमने कराया भी था कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक मैंने आपको बताया था M.S. स्वामीनाथन, ठीक है? विश्व में हरित क्रांति के जनक ध्यान रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो आपका मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से है। आपसे पूछे हरित क्रांति पूछे तो इसको भी ध्यान रखना, हरित क्रांति का संबंध आपका है गेहूं या चावल उत्पादन से है। आपसे पूछे
पीली क्रांति, तो पीली क्रांति ध्यान रखना, तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, तिलहन फसलों में आपका सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आ जाएगा। गोल क्रांति मैंने कल भी बताया था, आलू उत्पादन से रिलेटेड है, आप याद कर सकते हो। रजत क्रांति, रजत क्रांति पूछे तो ध्यान रखना अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति एक आई थी, ठीक है, सुनहरी क्रांति की बात करें, फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति ध्यान रखना, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। गुलाबी क्रांति थी झींगा मछली उत्पादन, और यहाँ पे श्वेत क्रांति याद रख सकते हो, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। स्वीट क्रांति है, शहद उत्पादन से रिलेटेड है। बहुत सारी क्रांतियां हैं, इनको आपको याद रखना है। इसको मैं स्टैटिक जीके में कवर करूंगा, सारी चीजें आपको अच्छे से करेंगे। स्टैटिक जीके का लगभग 50 से 55 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, बस एग्जाम डेट क्लियर हो जाए, ठीक है। पीपीटी बनना चालू हो गया, सारी चीजें प्रोसेस में है, और पीडीएफ आप लेके पढ़ते रहो। स्टैटिक जीके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो आएगा तो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप पहले से पढ़े रहोगे तो आपको सही रहेगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है या फिर खतरे में है? बहुत सारी पक्षियां होती हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारी मछलियां होती हैं कह सकते हैं, जो लगभग विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं, तो उन्हीं को हम उन्हीं को बोलते हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा जंगली उल्लू। जंगली उल्लू की बात करें, केंद्रीय पर्यावरण व वन्य जलवायु मंत्रालय ने ये जो वन्य उल्लू है या जंगली उल्लू है, इसको किस कैटेगरी में डाल दिया? खतरे, यानी कि इसका अस्तित्व खतरे में है, इसको बचाना है, ठीक है, यानी कि ये विलुप्त होने के कगार पे है, और जो भी है बचे हुए हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। एमपी और महाराष्ट्र में विशेष रूप से पाया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? जंगली उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बात करें तो ये क्वेश्चन जियोग्राफी में भी आपको आप पढ़ेंगे, लेकिन आया है तो यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे बेस्ट है किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी, ठीक। इसको हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NBT बोलते हैं, सॉरी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो बात करें, ये देखता है आपका पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से रिलेटेड मामलों को, ठीक है। इसका स्थापना की बात करें, NGT का 2010 में हुआ था, ठीक है। तो किससे रिलेटेड मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से रिलेटेड मामलों को देखता है। कौन? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक। आगे बात करें, इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अब आप लोग कहोगे पेड़ों से होती है, इससे होती है, ठीक है, नहीं तो पेड़ों से नहीं होती, इसको ध्यान रखना। अधिकतम जो एक शैवाल होती है जिसको हम बोलते हैं पाद प्लवक पुंज, इसी से अधिकतम कहते हैं, लगभग 50 से 80% के बीच में ऑक्सीजन जो देन होता है, जिसे हम फाइटोप्लांकटन भी बोलते हैं, फाइटोप्लांकटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बात करें, सबसे सर्वाधिक ऑक्सीजन इसी से हमें मिलती है या पृथ्वी पर मिलती है, ठीक है। महासागरीय पौधा एक प्रकार का, जिसे हम पाद प्लवक पुंज बोलते हैं या फाइटोप्लांकटन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। जैसा कि मैंने बोला, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट है साइंस का ही, इसको भी आपको पढ़ना होता है। 2 से 3 क्वेश्चन एनवायरमेंट से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जब भी आपसे पूछा जाए तो एक नाम आपको ध्यान आना चाहिए, सुंदर लाल बहुगुड़ा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। चिपको आंदोलन क्या था, जैसे आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे विकास के लिए, बहुत सारे कामों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था, भारत में वनों को काटा जा रहा था। तो 1970 में ये चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसके लिए जो ग्रामवासी थे, ये पेड़ है, पेड़ से चिपक कर प्रदर्शन करते थे, तो इसलिए इसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। तो इसमें किससे संबंध है, तो इसका संबंध हो जाएगा वृक्षों से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या समस्या हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसिस। क्या हो सकती है? फ्लोरोसिस, जल में अधिक क्या पाए जाने से? फ्लोरीन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यह विशेष रूप से जो भूमिगत जल होते हैं उसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यह है आपका, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहते हैं। पॉन्ड सिल्क की बात करें, ये ध्यान रखिएगा इसकी आकृति जो होती है चमकीली रेशमी होती है, चमकीली रेशमी होती है, इसलिए इसको पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। ठीक है, चमकीली रेशमी होती है। पॉन्ड सिल्क के अलावा वाटर सिल्क भी बोलते हैं, वाटर सिल्क भी बोलते हैं, जल परिवृक्ष भी बोलते हैं। तो ये कहा जाता है सामान्यतः स्पाइरोगाइरस को। किसको? स्पाइरोगाइरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्पाइरोगाइरस। ध्यान रखिएगा एक प्रकार का सवाल होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है किन जो परिस्थिति की दृष्टि से अनर्थकारी है, जिसको हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। अब देखो आपसे पूछा ग्रीन गोल्ड, यहाँ पे पूछा है ग्रीन गोल्ड, आपने नहीं सुना होगा ग्रीन गोल्ड क्या होता है। आपसे पूछे ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड आप कहोगे हाँ ब्लैक गोल्ड तो सुना है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, कोयले को। अब कोयले को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, ये सोना थोड़ी है और इतना उपयोगी भी नहीं, लेकिन इससे अधिकतर बहुत सारी काम लिए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बिजली जो उत्पादित की जाती है वो कोयले का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, तो कोयले का ज्यादा उत्पादन यानी कि कोयले की उपयोगिता को देखते हुए यहाँ पे इसे हम ब्लैक गोल्ड कहने लगे, यानी कि ठीक है तो काला सोना कहने लगे। ग्रीन गोल्ड भी इसी तरीके से होगा जिसकी उपयोगिता ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोला अनर्थकारी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, तो कुछ वृक्ष होते हैं जैसे नीम, बांस, यूकेलिप्टस भी इसमें आता है, जिसको हिंदी में गंध सफेदा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें यूकेलिप्टस इसका राइट आंसर होगा, जिसे हम ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है आपसे कि अनर्थकारी, अनर्थकारी क्यों है, अनर्थकारी इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है जहां पर भी यूकेलिप्टस का वृक्ष पगल जो चार पांच पाया जाता है वहां पे जो वाटर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हो मृदा अपरदन की घटना को भी ये कर तेज करते हैं, और यहाँ पे जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इनकी वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसे वातावरणीय आपदा, इस पर वातावरणीय आपदा का आरोप भी लगता रहा है, तो इसलिए इसको पारिस्थितिक दृष्टि से अनर्थकारी भी माना जाता है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है इस पर एक क्रिप्टोकस, क्या मैंने बोला क्रिप्टोकस, क्रिप्टोकस नामक फंफूदी पाया जाता है, फंफूदी पाया जाता है। और ये जो क्रिप्टोकस नामक फंफूदी होता है ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, सीधे इसके संपर्क में आने पे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर ये प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा यूकेलिप्टस को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, और ये एक प्रकार से अनर्थकारी भी है पारिस्थितिकी की दृष्टि से और मनुष्य के लिए भी। ठीक है, यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, और अगर जो ढेर सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए या फिर पेड वाले देखना चाहते हो कौन कौन से पीडीएफ हमारे, तो हमारे वेबसाइट www.allexamguruji इस पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, .com इस पर आप विजिट कर सकते हो, ALL है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, सघन खेती का संबंध किससे, सघन खेती का सीधा संबंध होता है बड़े पैमाने पे उत्पादन करना। ठीक है, कम जगह में बड़े पैमाने का उत्पादन करना, बहुत सारे रोगाणुनाशक या कीटनाशक का उपयोग करके और खाद का उपयोग करके, रासायनिक खादों का उपयोग करके क्या ज़्यादा उत्पादन करना, तो यहाँ पर हो जाएगा मौजूदा भूमि में सघन उपयोग से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सघन खेती का संबंध इससे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। 14 की बात करें, क्वेश्चन है आपका, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित होता है। क्लोरोमाइन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा क्लोरोमाइन में क्या क्या होता है, एक तो आपका क्लोरीन होता है, एक तो क्लोरीन होता है, एक तो अमोनिया होता है। सीधा सीधा बात, क्लोरीन अमोनिया आ गया, यानी कि जल में ये क्या करेगा, रोगाणु को मारने का काम करेगा, यानी कि रोगाणुनाशक का काम करेगा, और इससे क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हो विसंक्रमण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसंक्रमण। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है। तो इंद्रधनुष अभियान चलाया गया था बच्चों के टीकाकरण के लिए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां चलती थी उस टाइम, तो क्या किया जाता है, बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है, जैसे BCG का टीका लगा दिया गया। ठीक है, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम है, तो बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है क्या इंद्रधनुष मिशन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण सूचकांक निम्नलिखित में से किस रेंज को खतरनाक मानता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
वायु प्रदूषण सूचकांक या फिर AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खतरनाक की बात हो रही है तो 301 से 500 के बीच यहाँ पे खतरनाक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 से 50 है तो इसको हम अच्छा मानते हैं यानी कि गुड, ठीक। 50 से या फिर 51 से 100 के बीच में इसको हम संतुलित मानते हैं। 101 से 150 के बीच में इसको हम मानते हैं संवेदनशील, लोगों के लिए हानिकारक, ठीक। वहीं पे बात करें 151 से 200 के लिए यहाँ पे हानिकारक मानते हैं, और अगर जो वहीं पे 201 से 301 की कैटेगरी में आ जाए तो इसे हम अत्यधिक हानिकारक मानते हैं, और 301 प्लस 500 तक चला जाए इसको हम बहुत खतरनाक मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये सूची होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, और 301 से 500 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 की बात करें, क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड सबसे गंभीर वायु प्रदूषक होता है, SO2 केमिकल नाम होता है। नेक्स्ट है आपका विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो बात करेगा जो EPA यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार यानी कि पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार मोटर वाहनों से जो धुएं निकलते हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें जो भी जीव होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनके लिए एक विष के समान होते हैं। क्या करते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं जो बहुत ही हानिकारक है, और जब भी ये 50% से अधिक होता है शरीर में तो यहाँ पे मनुष्य मूर्छित हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए ये हानिकारक है या प्रदूषक होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत में कच्छ केरल किस लिए प्रसिद्ध है, कच्छ केरल की बात करें ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज्वारीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कच्छ केरल की बात करें तो ज्वारीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।